गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल विविध भाविका। तो गाइज अभी मॉर्निंग हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं। मैंने उठ के बस झाड़ू वाड़ू लगाया है, बिस्तर विस्तर सही किया है और अभी पोहे की तैयारी के लिए प्याज काट रहे हैं। और मैं ये कल रात हमने इस हॉट केस में दही जमाया था तो उनको इन लोटों में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में ना ये बहुत बड़ा हो जाता है रखने के लिए, तो बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं होती। तो मैं ये काम निपटा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा बर्तन भी धोने हैं। काम हम निपटा लेते हैं, हम फिर आपसे मिलते हैं। मौसम कुछ मिक्स्ड सा है, धूप आई तो है कहीं दूर लेकिन बादलों के पीछे छुपी है, तो उजाला हो रहा है लेकिन बादल भी हैं। बाकी मैं अभी जा रही हूँ कड़ी पत्ता तोड़ने पोहे के लिए। ये रहा कड़ी पत्ता, आई थिंक इतना इनफ है, इतना हो जाएगा ना। इसको रख देते हैं इसमें, इसको तुम धो लेना फिर। मैं नहाने जा रही हूँ। तो मैं नहा धो के तैयार, अब पूजा कर लेते हैं। ये पूजा भी अब मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि विनय बना के गए थे पोहा और अब विनय नहाने गए हैं। मैं फटाफट कॉफ़ी बना लेती हूँ। देखिए विनय पोहा बना के गए हैं, कितना टेस्टी दिख रहा है, नाइस यम। और ये दूध रखा है, कॉफ़ी बना रही हूँ मैं। क्या देख रहे हो, ये कार्टून? गाइस विनय को कार्टून बहुत पसंद है, तो विनय अंडा देख रहे हैं कार्टून में। क्यों पागल हो रहे हो, क्या बोल रहे थे तुम? फिल्टर क्यों बंद कर देती हो बार बार? फिल्टर बंद? अरे नीचे भर गया था ना वो पानी, इसलिए बंद किया था। कोई भरा है? और विनय बैठ के पानी पियो, खड़े होकर पानी नहीं पीते। ये लो। क्या पियो? नहीं मैं अभी भी नहीं पी रही। पियो। नहीं पी रही मैं। गाइस अभी हम लोग कुछ देख रहे थे फोन में, फिर फोन में नहीं टीवी में कुछ देख रहे थे, फिर फोन किया सब लोगों को। आज संडे के दिन हम लोग को ना काफी लोगों को फोन करते हैं जिनको करना होता है। मामी को फोन किया, विनय मेरी क्लिप खराब मत करो यार विनय, प्लीज यार रुको जरा, सबर करो। मामी को फोन किया देहरादून वाली, एक घंटे बात की हमने। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं और मैं ना काटूंगी नहीं, ये क्लिप सुन लो, ये ऐसे ही जाएगा। आई बात समझ में? ये ऐसे ही जाएगा, मैं नहीं काटूंगी, चाहे तुम मुझे कसम दो चाहे कुछ करो। आई बात समझ में? आई बात समझ में। आई बात समझ में। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? बस वही है, छुट्टी का दिन है तो अभी अब बच रहा है एक, और हम लोग अभी फ्रूट ब्रेक लेंगे, कुछ कुछ खाएंगे। उसके बाद पता है गाइस हमको एक भेड़िया मूवी मिली है जियो टीवी में या किसी में, वो हम देखेंगे उसके बाद। एक आम नहीं, ये वाला खाएंगे रेड वाला। और ये आधा पपीता बचा था 2-3 दिन पहले का, ये खाएंगे। और सैलेड विनय से पूछते, विनय सैलेड खाओगे अभी? ठीक है विनय सैलेड नहीं खा रहा था, ये दोनों चीजें खा लेते हैं। यह है पपीता, ये आम है और ये है आड़ू। आम कम है क्योंकि इस घर में आम बस मैं खाती हूँ, विनय कम खाते हैं आम, खाते तो हैं, विनय को पपीता पसंद है इसलिए पपीता ढेर सारा है। हमारा ये फलाहार जो है वो खाते हैं मूवी देख के। तुमने मूवी नहीं चला? गाइज ये ना जियो सिनेमा में फ्री आ रही है, जिसको भी देखनी है तो आप लोग देख सकते हो। और देखो हमारे बिस्तर, क्योंकि हिमाचल में बिस्तर तो हमेशा ही चाहिए, और साथ में हमारे फ्रूट्स। ये लो विनय, ये पपीता तुम्हारे लिए, आम मिल ले, आड़ू खाओगे तो खा लेना। कर लो बात, कर लो पहले, कोई नहीं। सही, हम मूवी और ये फ्रूट्स खा रहे थे तो विनय के प्रिय मित्र गोलू भैया का फोन आ गया है, अब बात करने देते हैं। और हम खाते हैं मैंगो। A few moments later. भेड़िया आदि देखी थी हमने, बीच में भूख लगने लग गई तो हमने सोचा कि अभी पहले लंच बना लेते हैं, फिर आधी मूवी उसके बाद देखेंगे। पराठा खाना पसंद है, मैं लच्छा पराठा बनाने वाला हूँ। विनय क्यों एक्सपेरिमेंट करते हो तुम हर संडे को एक ना एक नया लच्छा पराठा बना सीखा। कैसा लगा मेरा मजाक? तुम्हें पसंद है खाना तो मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा, देखो पराठे वाला आटा गूंथता हूँ। एक पराठा बनाना, मैं खाऊंगी, अगर अच्छा लगेगा तो फिर बना देना, फिर नहीं तो नॉर्मल पराठा मान ले। हाँ मैं लच्छा पराठा वाला आटा गूंथ रहा हूँ। नहीं यार फिर घंटे लग जाएंगे इसमें यार। भाभी दिस इज संडे फंडे भी है कुछ, मैं अपना अपना कब, मैं तुम्हारी हॉबी के लिए कितना सपोर्ट करता हूँ तुम्हें।
बनाओ यार बनाओ बनाओ बनाओ, क्या डाल रहे हो आटे में लोगों को भी बताओ। कसूरी मेथी। मैं भिंडी काटती हूँ, भिंडी की सब्जी खाएंगे। अच्छा इसमें कसूरी मेथी और नमक, तुम्हारी रेसिपी है भाई, तुम जानो। ठीक है और बस हो गया, दो चीजें सिंपल एंड स्वीट। ठीक है चलो तुम आटा गूंदो फिर। मैंने बना दिया भिंडी की सब्जी, तब तक विनय ने एक लच्छा पराठा बनाया है। गाइस विनय ने ये बनाया है, छोड़ो तो अच्छा भी नहीं बना। नहीं अच्छा बना है, कोई बात नहीं, गजब बेइज्जती है। अब मैं बनाती हूँ एक लच्छा पराठा, बना के विनय को दिखाती हूँ, फिर विनय बनाएंगे वैसा ही। कहाँ जा रहे हैं सारे लच्छे, पता नहीं कहाँ गायब हो रहे विनय तुम्हारे। ये देखो आ तो रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं। हाँ गाइस मैं बेल के दे रहा हूँ, ये ना आटे के बनते हैं, मैदे के बनते हैं अच्छे। कोशिश विनय की जारी है लच्छे पराठे को अच्छा पराठा बनाने की। तो गाइस कमान संभाल ली है भाविका ने। मैं भी भूल गई हूँ, पता मैंने बहुत टाइम पहले से नहीं बनाए, मतलब बहुत टाइम पहले बनाए थे। ऐसा ये जानबूझ के कह रही है ताकि अच्छा बने और उसके बाद सब तारीफ करे। वाह वाह। कैसे था, काटते थे इसको? काटते थे, फोल्ड करते थे हम तो। फाइनली बना पहला लच्छा पराठा। भी कुछ बहुत अच्छी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी बेटर है। अभी हमने फिर यूट्यूब में दोबारा से देखा कैसे बनाते हैं, विनय अभी वैसे बनाने लगे हैं दोबारा से। हमारा बिल्कुल ही आज फेल हो गया है बिल्कुल भी सारा एक्सपेरिमेंट जो है। अब मन करा कि फटाफट नॉर्मली रोटी बना के खा लेते, भूख भी लग रही है। एक्सपेरिमेंट करते करते ये चौथा पराठा है, पता चला ऐसे ही पराठे खा रहे हैं हम। विनय अब घी से तेल में स्विच कर लिया है विनय ने, ये तेल वाला तुम ही खाना। मिक्स कर दूंगा, पता नहीं चलेगा कौन सा है फिर तो। और इसके लच्छे फिर से गायब हो गए। इससे सर पर तिकोनिया पराठे बनाता, उसमें अच्छी लेयर बन जाती है। हाँ यार चलो कोई नहीं, अब नॉर्मल पराठे बना ले हम, गोल वाले। इसके बाद एक तुम ट्राई कर लो फिर खत्म। गाइस बस ये आखिरी पराठा, अभी तो दिख रहे हैं ऐसे ना, पकने के बाद वो हो जा रहे हूँ। अब हमने हार मान चुकी है गाइस, अब हम हार मान चुके हैं, हम यही खाएंगे अब। गाइस बहुत ही मेहनत के बाद हमने बड़ी मुश्किल से 6-7 पराठे बनाए हैं ये, और ये कोई भी पराठा ऐसा लग नहीं रहा कि लच्छा पराठा है, कोई तिकोने मिकोने जैसे भी हो गए हैं ये खा है। और ये है भिंडी। तुम रायता खाओगी? रायता हाँ निकाल दो एक कटोरी में, खा लूंगी। गाइस कल रात की सब्जी बची थी हमारी पनीर की, इसको भी खत्म करेंगे। अभी हम लोग ऊपर आए थे वॉक करने के लिए छत में थोड़ा, क्योंकि हम बोर हो गए थे अंदर ही अंदर। मूवी देखी भेड़िया, बहुत अच्छी तो नहीं लगी लेकिन कॉमेडी है। हाँ मतलब अगर नॉर्मल वन टाइम वॉच कॉमेडी हंसने के लिए देखनी है तो अच्छी है। घूमते हैं थोड़ी देर फिर नीचे जाएंगे, अभी अच्छा हो रहा मौसम हल्का हल्का सा, और चांद भी आ गया आप देखोगे। ये चांद भी आ गया। डिनर नहीं किया था उस टाइम पे, हम लोगों ने पराठे खाए थे ना, फिर हमारा पेट भर गया था। उसके बाद फिर हम ऐसी मूवी देखने लग गए, और फिर ऐसी हम लोग ना गप्पे मारने लग गए कुछ कुछ ऐसी। फिर हमने छाछ पी ली, और फिर गप्पे मारते मारते हमको अंदाज ही नहीं आया कि इतना टाइम हो गया था। 12 बज रहा है और हम लोगों को भूख लग रही है अभी, और अभी हम खाने की खोज में जा रहे हैं किचन में। क्या खा रहे हैं हम? दूध और बिस्कुट। गाइस हम अभी 12 बजे रात को दूध गर्म कर रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं, क्योंकि हमने शाम को खाना तो कुछ बनाया नहीं। हम पता नहीं क्या, छुट्टी के दिन ना ऐसा रिलैक्स मोड में चले जाते हैं बिल्कुल। जब भूख लगती है तब खाते हैं, जब नहीं लगती है तब ऐसे ही टीवी देखते हैं। तो अभी हमारा ये हाल हो चुका है कि दूध और बिस्किट खाने पड़ रहे हैं हमको, जैसे हॉस्टल में रहते होंगे हम। ऐसी फील आती है क्या? मैं तो कभी हॉस्टल में रहा नहीं हूं। बिस्किट हमने कहा चलो कभी कोई मेहमान आता है ना तो बिस्किट ले जाते हैं, तो आज हमारे ही काम आ रहा है बिस्किट। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, हम दोनों ने ना ब्रश भी कर लिया था, ब्रश करके हम ऐसे सो गए थे कि अब तो मूवी देखेंगे और सो जाएंगे, लेकिन हमको नहीं पता था कि हमको बीच बीच में भूख लग जाएगी। अब
अब तो दोबारा तो क्या ही करेंगे ब्रश, दोबारा ब्रश करोगे? नहीं मैं तो एक बार भी करने की फेवर में नहीं होता हूँ। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।